हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, एक्सेल में क्या नया है आइए आपको दिखाता हूं। अगर आप 2007 भी यूज करते हैं तो भी इन सारे फॉर्मूलाज को आप यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा आसान हो जाता है काम अगर आप इन फॉर्मूलाज का यूज करते हो। तो चलिए ये देखते हैं कौन से वो फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक जगह नंबर लिखा हुआ है और बाकी की जगहों पर स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। देखिए, कीबोर्ड के अंदर एक ऐसा शाइन होता है, मैं आपको वो शाइन दिखाता हूँ। वो शाइन आपको मिल जाएगा 6 जो अल्फा न्यूमेरिक की है वहां पर। तो ये देख सकते हैं, ये जो शाइन है ना, ये इसी शाइन की बात कर रहे हैं हम। तो अभी हमको क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इज इक्वल टू से शुरू होता है। और इस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, इसका सेल एड्रेस आ गया। अब हमें वही शाइन जो अल्फा न्यूमेरिक की 6 पे मिलता है उसी को लगा देना है। और अब क्या करना है, अब यहां पर 2 लिख देना है, ठीक है। तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ चुका है और इन सबके स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएंगे। 4 जा कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 आएगा, तो 16 आ गया। 7 जा कितना होता है 49, तो यहाँ 49 आएगा। 6 जा कितना होता है 36, तो यहाँ 36 आएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्यूब कैलकुलेट करना है, तो क्यूब, तो क्यूब के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसी नंबर को सेलेक्ट करिएगा और यहां पर वही साइन लगा दीजिएगा जो पहले लगाया था, लगा दिया। अब क्या करना है आपको, अब सिंपली इसको 3 यहां लिख दीजिएगा 3, तो क्योंकि क्यूब कैलकुलेट करना है तो 3 लिख दिया। तो देखिए यहां पे 2 का क्यूब, 2 × 4 × 8, क्यूब क्या होता है, देखिए 2 फिर यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो होता है। तो इसका रिजल्ट तो 8 ही आएगा, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। अब देखिए, अब इसको अगर मैं ड्रैग कर देता हूं तो सबका क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट की बात है, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, फिर वही चीज यूज करूंगा, ये लिखा, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, जैसे ही ये लिखेंगे तो यहां पर वही साइन लगा करके ये जो एक्सपोनेंट कह सकते हैं, तो इसको लगा करके, और अब आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट ओपन करना है और हाफ से इसे हाफ जानते हैं ना, 1/2 से इसका 1/2 कर देना, एक्सपोनेंट 1/2। तो यहाँ पे आप एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए 2 का जो होता है ना वो 1.41 ही होता है, और यहाँ से अगर ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए रूट भी निकल जाएगा, सबका रूट निकल गया। 4 का रूट 2 होता है, 7 का रूट 2.64 होता है। अब इसको आप अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। आई होप कि बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।